यहाँ पे ट्राई करते हैं कोल्ड ड्रिंक को। 140 माउंटेन ड्यू ये ट्राई करते हैं। ले मी गेट सम कॉइंस। अच्छा कॉइंस का भी अजीब हिसाब है यहाँ पे। अगर आप इनको 1000 देते हैं ना येन, तो 1000 येन के बदले में आपको सिक्के वापस आएंगे, कोई नोट छोट वापस नहीं मिलेगा। सिक्के जो कॉइंस है वही आपको मिलेंगे। तो ये बड़ा मसला है यहाँ पे। शुरू शुरू में तो मैं बड़ा पजल हो गया था। मैंने 1000 दिए वहाँ पे जो रेल के स्टेशन पे ट्रेन स्टेशन पे होते हैं जो टिकट ऑफिस है, तो उसने मुझे सिक्के वापस किए। मैं समझे गिदराम सिक्के हैं, चंद सौ हैं या चंद पैसे हैं। बाद में किससे पूछा वो कहते यही होते हैं यहाँ पे सिक्के। तो आई एम गेटिंग सम माउंटेन ड्यू 140। 100 का सिक्का 100 का सिक्का तलाश कर रहा हूँ, ये मिल गया 100 का। सिक्का है जनाब इनका, मुझे फाइन होगा। और ये है 10, 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
20 का कॉइन नहीं, 10 का कॉइन, सॉरी 10। ओके चलो अभी आपको दिखाते हैं, ये 100 हो गया कॉइन, ये है 10 10 10, और ये है जनरल 10, ये 140 हो गए पूरे। ये जो होता है इनका, ये है 1 yen का कॉइन है, ये है 500 कॉइन इनका, और ये है जनरल 5 का कॉइन। तो आप अगर 1000 देते हैं और चेंज वो देंगे तो आपको कॉइन्स में ही देंगे आपको चेंज। चले हम लेते हैं यहाँ से ड्रिंक और फिर उसके बाद आगे की तरफ जाते हैं। 140 yen करना क्या है, ये इसमें डाला जाता है, ये 110। अगर आप इसमें इजाफी डालते हैं तो फिर वो वापस आ जाते हैं, कॉइन चेंज वापस आ जाता है आपको। अभी नीचे आ जाएगा, ये देखें नीचे 10 आ गया है, इसको उठाते हैं और फिर यूज़ करते हैं। ये तरीका होता है इनका वेंडर मशीन, तो ये वेंडर मशीन आपको जगह जगह मिलेगी, हर जगह पे जापान में। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन, आपको अगर कोई आपने बचत करनी है, सेविंग करनी है ट्रेवलिंग में, तो दो बेहतरीन ऑप्शंस है आपके पास। एक है, दो बल्कि ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन दो मशहूर है, एक है इसमें स्वाइका कार्ड और दूसरा है वाजमो कार्ड। ये दो आप लें, उसको बस चार्ज करते रहें, जब खत्म होने लगे जगह जगह पे ये मशीनें लगी हुई हैं वहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको जो है ना कन्वीनियंस होगी, इनकी वजह से आपको हर जगह पर। तो चलिए अभी हम जाते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे जो स्क्रैम्बल क्रॉसिंग है, ये शिबोया इसके पास के साथ पास ही है मार्केट है, उधर जाते हैं। यहाँ पे जाते जाते फ़ौरन काफ़ी सकते हैं, लेकिन वो बुरा समझा जाता है, जापान लोग जो है ना स्कूल लोग नहीं करते कभी भी, आपने कभी नहीं देखा वो जाते हुए कुछ कार होती है, मतलब उसकी कल्चर का हिस्सा है शायद कुछ। ये है सामने टेटो स्टेशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेटो बनाते हैं, और
अच्छा, यहाँ पे आपको जगह जगह टैक्स फ्री शॉप मिलेंगे। टैक्स फ्री शॉप में ये होता है कि वो आप पासपोर्ट दिखाते हैं तो पासपोर्ट पे फिर वो आपको जो टैक्स होता है वो माफ़ हो जाता है। लेकिन इन्होंने भी इसमें कोई हल निकाला है इसका, क्योंकि मैंने पिछले दिनों में कैंप ले रहा था तो वो मुझे कहते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो शॉर्ट टर्म नहीं है, यानी 3 महीने, तो मैंने आपका ज़्यादा है तो इस वजह से आपके लिए आप एग्जेम्प्ट नहीं हो इससे टैक्स से, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर दिया टैक्स मैंने बकौल उनके, वो कहते हैं कि आपका वीज़ा जो है ना वो ज़्यादा है, अगर कम होता 3 महीने का होता या 14 दिन का होता तो उनके लिए टैक्स एग्जेम्प्ट है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ये है या नहीं, कंफर्म करना पड़ेगा किसी से जो कहीं ज़्यादा ट्रेवलिंग करता और ज़्यादा आते हो। ये देखो जगह जगह वेंडिंग मशीनें लगी हुई यहाँ पे, और आप इसमें से कोई भी चीज़ अपने मतलब की ले सकते हैं, हर आइटम की अपनी वेंडिंग मशीन है जी। ये पे निकल आया मैं इस साइड पर शिबुया क्रॉसिंग की तरफ, ये शिबुया क्रॉसिंग और वही रश सीधा लगा रश यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे हज़ारों लोग, अगर ऊपर से ट्रेन चल रही है यहाँ पे जनाब सामने, रात में यहाँ पे बहुत खूबसूरत मंजर होते हैं क्योंकि रात को लाइट्स होती हैं, तो लाइट्स ये सारी बिल्डिंग है जो है ना लाइटिंग ऐसी की हुई थी कि बहुत खूबसूरत ये एरिया लगता है। अभी शिबुया क्रॉसिंग पे ही हैं हम यहाँ पे, बारिश बादल आए हुए हैं, लग रहा है कि यहाँ पे अब बारिश होगी, कल भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो रात को। तो ये जनाब थोड़ी देर मैं इधर रुकता हूँ, थोड़ी देर बाद दोबारा आता हूँ, हाजिर होता हूँ।